हेलो एवरीवन, मैं श्वेता श्वेता कुकिंग जोन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पोटैटो रोल समोसा, जो बहुत ही टेस्टी होता है और क्रिस्पी होता है। इसे आप शाम के स्नैक्स के रूप में बना सकते हैं, या अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाए तो आप उनके लिए भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना, तो आइए देखिए इसे हम कैसे बनाते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने पीनट को रोस्ट कर लिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे, हल्का सा तेल में। आप चाहे तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। अब पीनट को हम निकाल लेंगे और इसी पैन में हम डालेंगे एक चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच कलौंजी और अजवाइन। इसका हम कलर चेंज होने देंगे। जैसे ही कलर चेंज हो जाए इसमें हम डालेंगे कटा हुआ बारीक प्याज, हरी मिर्च और अदरक, और इसे हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें हम डालेंगे मसाला, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे उबले हुए मैश्ड आलू, आपको जितना बनाना है उस अनुसार ही आप सब कुछ लें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। आलू हमारा मिक्स हो गया। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे रोस्टेड पीनट और इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा स्टफिंग ठंडा हो रहा है हम डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक कप गेहूं का आटा, आप चाहे तो मैदे में भी बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़ा चम्मच तेल, 1 चुटकी बेकिंग पाउडर। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल आटा हमारा इस तरह से बन जाना चाहिए। अब यहाँ पे हमने लिया है गुनगुना पानी और गुनगुने पानी से हम डो तैयार करेंगे। डो हमारा रेडी हो गया है, मैंने सेमी सॉफ्ट डो तैयार किया। अब इसे हम ढककर लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। अब हमारा स्टफिंग ठंडा हो गया है। अब इसका हम छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। देखिए हमने बना लिया है, इस तरह से हमें बना लेना है। बॉल हमारा रेडी हो गया है। अब हम डो को देख लेते हैं। बिल्कुल डो अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब हम एक पोर्शन लेंगे डो का और इसे हम हल्का सा सूखे आटे में लगाकर बेल लेंगे। कोशिश करें कि थोड़ा स्क्वायर शेप ही दें हम इसे, या आप चाहें तो नाइफ से कट करके भी इसको स्क्वायर शेप दे सकते हैं। ये बिल्कुल पतला होना चाहिए, ये देखिए बिल्कुल इस तरह का। अब हम एक स्टफिंग का पोर्शन लेंगे बॉल और हम इसके नाप से कट कर लेंगे। इसी के नाप से हम पूरा कट कर लेंगे। ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब हम लेंगे आलू का स्टफिंग और हम हल्के से किनारे में पानी लगा देंगे और इस तरह से हम इसे रोल करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हमें रोल कर लेना है। ये हमारा रोल रेडी हो गया। इसी तरह से हम सारे रोल को रेडी कर लेंगे। ये देखिए अभी जो हमने तैयार किया है वो हमारा रेडी हो गया रोल। अब इसे हम बनाएंगे एयर फ्रायर में। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अगर हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप एयर फ्रायर में बनाएं या ओवन में बनाएं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। इसके ऊपर हम हल्का सा बॉइलिंग का ब्रश कर देंगे और इसे हम एयर फ्रायर में रख देते हैं। ये देखिए इसका हमने स्विच ऑन कर दिया है। अब इसे हम 180 डिग्री पर सेट कर देंगे और 15 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। बीच बीच में हम इसे चेक करेंगे। ये हमारा रेडी हो गया है पोटैटो रोल समोसा। ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है। अब इसे हम सर्व करते हैं। इसे आप हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही क्रिस्पी होता है। ये देखिए हमारा पोटैटो रोल समोसा रेडी हो गया है। तो आप भी अपने घर पे इसे
जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करें कैसा लगा आपको। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।